किससे सीखा? जब मैं 2 इयर्स की थी, आज मैं 6 इयर्स की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं मुझे नहीं लगा, नहीं मैंने तो बहुत बारी किया। कश्मीर में क्या रहे? कश्मीर ऐसे बारी से पहले भी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई ना कोई कभी भी कभी शूट होता रहता है, कुछ होती है या एक्टिंग वगैरह होती है। मेरा घर वालों का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है। बैठ कर दिए देखो, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे तो बचपन से ही डांस करने का शौक था बहुत। किसी का नाम? लाला। क्या डांस देखा आपने? नहीं देखा। अनुरा मेरा सुपर मॉडल, यानी कि मेरे को किड सुपर मॉडल में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। तो पूजा पूजा फाउंडर और डायरेक्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली मेरे ब्रदर राकेश भूषण भट्ट जी ने एक इनिशिएटिव लिया कि वो मेंटर हैं हमारे वमेद के और राइटर भी हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि मतलब अभी हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीडिया है इसलिए सबको पता लगना चाहिए। उन्होंने बोला कि हमें अपने जबान को बचाने के लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो एक एक मुहिम की तरह सामने आए, और वो हमने 20 फरवरी को स्टार्ट किया। एक मदर टंग डे के ऊपर हमने टाइगर हॉल में एक इवेंट किया था पगाह के नाम से, और उसके बढ़ता गया। उसके बाद हमने बहुत सारे इवेंट्स किए, इवन लास्ट हमने एक यहाँ पे एक हफ्ते का थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, कश्मीरी थिएटर फेस्टिवल, जिसमें कश्मीर के बहुत सारे ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और जम्मू के भी ग्रुप्स थे, लेकिन टोटली वो कश्मीरी में था। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज भैया ने बोला, ब्रदर ने जो राकेश जी हैं उन्होंने बोला कि हमें अब यूथ को कनेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमने एक द यूथ कनेक्ट करके पगाह के नाम से ये आज का जो हमारा ये इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे बच्चों को जो यंग टैलेंट है कश्मीर में, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर कश्मीर की बात करूँ तो कोई टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हमने आगे लाने के लिए यहाँ पे सिंगिंग और कुछ डांस का प्रोग्राम रूफ है, जिसमें जो हमारा फोक है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बच्चे यहाँ पे। तो उसके साथ साथ ये भी हम करने वाले हैं कि जो उनमें से बेस्ट होगा उन्हें सितंबर के 3 और 4 तारीख को जम्मू में जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वमेद ऑर्गेनाइज करता है, उसमें इन फ्रंट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन्हें हम लेके जम्मू लेके जाएंगे और उन्हें वहाँ पे मौका देंगे परफॉर्म करने का। और ये मिशन जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसमें और भी यूथ को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स और इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे।